हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ मोटरविज। भाई आज हम बात करने वाले हैं अपने एक जर्मन ब्रांड के बारे में। और भाई ये जो हमारा होने वाला है, जो वीडियो पूरी होने वाली है, अपने ओनरशिप रिव्यू होने वाला है, जिसमें हमारे जो एक जर्मन ब्रांड जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं उसके ओनर से हम बात करेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे। इसकी मतलब गाड़ी की मतलब खामियाँ क्या है, खूबियाँ क्या है, ठीक है, और इसका ये जो इंजन है आपका किस तरह से परफॉर्म करता है। अब ये जो इंजन क्यों बोला, बिकॉज इसमें ना आपके दो इंजन आ जाते हैं, 1 लीटर का भी आता है, 1.5 लीटर का आ जाता है। तो अब कस्टमर ने अगर 1 लीटर का अपना इंजन जो चूज़ किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या, और उस और अभी तक उन्होंने जो भी अभी ड्राइव की है गाड़ी, तो उसमें उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। तो भाई इसके ओनर है हमारे अमृतांशु भाई, उनसे हम बात करते हैं सारी चीज़ें ना इसके बारे में जाना है। अमृतांशु भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया बढ़िया ना। तो भाई अमृतांशु भाई एक चीज़ बताओ यार, आपने जो गाड़ी ली अपनी मिड साइज एसयूवी में जो बात करें अपना, अगर इसके लीड की बात करें जो मार्केट में अच्छी खासी जो इसके मतलब एक मार्केट का शेयर जो कैप्चर कर रखा है, क्रेटा ने कर रखा है, सेल्टोस ने, और अब बात करें तो अगर जिसको माइलेज वगैरह अच्छी चाहिए तो माइल्ड हाइब्रिड ग्रैंड विटारा या फिर और अपने जो दूसरा है वो हाई राइडर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। बट आपने बिल्कुल एकदम लीक से हट करके हम बात करें तो आपने ये स्कोडा चुना है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या और कौन सा वेरिएंट है, कब कितना चला लिया इसके? ये जो है मेरा स्टाइल वेरिएंट है, सबसे टॉप का सेगमेंट इन 1 लीटर है। अच्छा, विद सनरूफ वाला? विद सनरूफ है। अच्छा। वो कहने को सनरूफ है बट हाँ ये जो सनरूफ है हम ग्रैंड विटारा अदर से नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज ये छोटा वाला है, मून रूफ है, सनरूफ वैसा नहीं है, ठीक है। और ये जो मैंने परचेज किया था वो लास्ट ईयर अराउंड मई में परचेज किया था, 2022 में, 2022 में, ठीक है। और अभी तब से आई थिंक 11,800 किलोमीटर चल रखा है। अच्छा, जैसे आपने इसे 11,000 के आसपास चला लिया, ठीक है, तो ये आपकी जो पहली गाड़ी तो होगी नहीं, इससे पहले और भी गाड़ियां चलाई होगी, जैसे हम मारुति वगैरह कोई भी गाड़ी। मेरे फैमिली में जो कार थी वो थी टाटा इंडिगो। अच्छा, उसके बाद मैंने खुद की बलेनो ली थी। अच्छा, बलेनो, और उसके बाद मैंने कुशाक। बलेनो कितनी चलाई? बलेनो 60,000 मैंने 3 साल के अंदर चला दी। 60,000 3 साल, मतलब कि राइड तो आपका देखा जाए तो अच्छा बहुत था मेरा। नोएडा से पर डे का राइड मेरा 100 किलोमीटर हुआ करता था बिफोर कोविड, प्लस 100 किलोमीटर प्लस। हाँ, प्लस आपका ये थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह इधर उधर जाना वाना थोड़ा बहुत। मैंने बलेनो को आगरा, जयपुर, उदयपुर, उसे सब जगह ऑलमोस्ट ट्रैवल कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, एक ही बताना, इसका तो आपने 1 लीटर और 1.5 दोनों ही ट्राई किया था? 1.5 भी ट्राई। तो इसमें प्राइस डिफरेंस की बात किया तो ऐसा कुछ प्राइस डिफरेंस 120,000 के आसपास है, तो मतलब कि उसमें आपने 1.5 क्यों सिलेक्ट किया? उसका रीजन है 1.5 का माइलेज जैसा उस टाइम कंपनी क्लेम कर रही थी वो उसे एक दो और कम थी, और 1.5 उसके लिए बेस्ट है जो जिसको रेगुलर लॉन्ग रूट पे जाना है, हाईवे और एक्सप्रेसवे पे जाना है, उसके लिए 1.5 बेस्ट है। अच्छा, मतलब आपका जो मेजर ड्राइव था वो या सिटी ड्राइव था, तो 1 लीटर वाज सफिशिएंट। अच्छा, और एक चीज बताना यार, जैसे आपने यहाँ पे ड्राइविंग वगैरह की बात करी, आप इसे आपने बात बोले कि यार कि जैसे 10 साल का जो नॉर्म्स वगैरह आ गया था उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो यार पेट्रोल ले ले, तो क्या कुछ लॉन्ग टर्म चलाने को सोच रहे थे कि यार लॉन्ग टर्म में गाड़ी रखना है इस वजह से? क्योंकि मेरी बलेनो डीजल है, तो जैसे ही 3-4 आज के टाइम में 3-4 साल पता भी नहीं लगता है कहाँ चली गई, और कोई भी जो है 16-17 लाख रुपए का गाड़ी लगा के ले रहा है तो 5 साल के बाद उसका रीसेल वैल्यू भी देखेगा। हाँ हाँ, ये चीज़ और ऑटोमेटिकली अगर दिल्ली एनसीआर में 10 साल का ही है तो लोग 5 साल में होते ही गाड़ी हटाना स्टार्ट कर। अच्छा, और डिजाइन वाइज कैसा, मतलब लुक गाड़ी का कैसा लगता है? थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा डिफरेंट रोड प्रेजेंस, थोड़ा डिफरेंट लगता, थोड़ा सा मर्सिडीज वाला बीएमडब्ल्यू वाला लुक आता है, जर्मन लुक आ जाता है, ग्रीन वगैरह का लुक कर देखिए, जर्मन लुक आ जाता है, बट वो लुक्स काफी सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। मेरा प्रायोरिटी इसका ड्राइविंग डायनामिक्स था जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है। अच्छा, ठीक है। स्टीयरिंग का मतलब फीडबैक कैसा है? स्टीयरिंग का फीडबैक सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैंने क्रेटा सेल्टोस का भी स्टीयरिंग चलाया, उससे बेस्ट है। रीजन बीइंग, जैसे ही आप सिटी ड्राइव में करोगे ये बहुत लाइट हो जाता है, बहुत लाइट, और हाईवे या एक्सप्रेसवे पे जाओगे आप 80 प्लस करोगे ये ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग काफी टाइट भी हो जाता है। अच्छा। ऐसा टाइट नहीं होगा कि आपको घुमाने में प्रॉब्लम है, मतलब कि एक हाइड्रोलिक वाला फील आता है, फील आ जाएगा आपको कि ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग का ये बदल गया है, स्टीयरिंग का और मतलब कि रेस्पॉन्सिव है। अच्छा, आप कभी पैनिक ब्रेकिंग वगैरह कभी ट्राई किया है कि यार कभी जैसे सामने कुछ गाड़ी आ गई, जानवर आ गया तो ट्राई किया? तो स्टेबिलिटी वगैरह सिटी में, क्योंकि यहाँ पे इसमें डिस्क ब्रेक सिर्फ आगे में है, पीछे ड्रम है उन्होंने, तो एक्सप्रेसवे वगैरह पे अगर आप 100-120 पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है। रीजन बीइंग, क्योंकि ब्रेकिंग का ब्रेकिंग पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं। अच्छा, जिसके कारण आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, हल्का सा, 19-20 का अंतर है। क्योंकि मैं बोलूंगा कि जो क्रेटा और सेल्टोस में जो डिस्क ब्रेक्स है दोनों में, उससे 19 मान सकते हो,
19 मान सकते हो, उससे 19 है। मतलब उसमें 19 का ये बोले हैं कि मतलब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा है, मतलब उसमें चारों डिस्क आ जाते हैं, चारों डिस्क के काफी इंपैक्ट पड़ जाता है क्योंकि बीइंग टायर 17 इंच का है इसमें, तो उस हिसाब से इनको चारों डिस्क देने चाहिए थे। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो यार, यहाँ से हमारे जो अमृतांशु भाई ना, उन्होंने जो अपना सनरूफ, इसमें आपको अगर स्टाइल वाले वेरिएंट में जाते हैं, इसमें सनरूफ और विदाउट सनरूफ दोनों ही आता है, तो अगर आप विदाउट सनरूफ जाते हो तो वहाँ 16 इंचेस का आपको टायर मिलता है ना, टायर सेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ उसमें जाओगे सनरूफ वाले में तो 17 इंचेस मिलते हैं, और थोड़ा सा अलॉय का डिजाइन वगैरह भी, अलॉय का डिजाइन इसका है ना, तो एक बार थोड़ा सा साइड में भी आ जाते हैं। टायर सेक्शन क्या मिल जाता है इसमें अगर हम बात करें, 205/55 है भाई, ठीक है, 55 है ना, हाँ, तो थोड़ा सा ब्रॉड भी है, ब्रॉडनेस आ जाता है, तो स्टेबिलिटी वगैरह तो ठीक है गाड़ी की ना, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट एम्बिशन का जहां तक मैंने फीडबैक में पता किया जब लेने से पहले, तो एम्बिशन जो है क्योंकि उसका टायर इंच 1 इंच कम है, और आई थिंक 255 है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं, 55 है कि नहीं, बट ये माइलेज में 1 या 1.5 का इम्पैक्ट आ जाता है टायर साइज छोटा होने की वजह से। अच्छा अगर आप इसका विदाउट सनरूफ वाला लेते हो उसकी बात करें, विदाउट ये विदाउट 17 इंच वाला जो व्हील है, हाँ, तो उसमें माइलेज का 1 छोटे टायर होने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा इंपैक्ट आ जाता है, इंपैक्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा और ये इसमें दोनों साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड में, इसके इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल आपने कुछ बताया था इसके पीछे भी स्टोरी, जब मैंने लिया था तो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा था, अच्छा, तो उन्होंने इसका 15,000 डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट नहीं दे सेट की अगर आप चाहो तो आप 15,000 पे कर सकते हो, जब आएगी तो आप ले लेना, मैंने बोला नहीं आप दे दो मेरे को 15,000 कम कर दो, जब आएगी तो मैं लगवा लूं, यानी कि अभी जो ऑटो फोल्डेबल नहीं है अपना मैनुअल, अभी मैनुअल होते हैं, बाकी जब इसको लगवा लोगे तो ऑटो फोल्डेबल हो जाएंगे, यानी कि अगर कोई अभी स्टॉक की गाड़ी लेता मतलब अभी तो उसे लगे हुए मिलेंगे ना, सब लगा हुआ मिल रहा है, अब तो कोई शॉर्टेज वगैरह है नहीं। अच्छा और एक चीज और बता दो यार, ये अपना स्कोडा कोसैक वगैरह के बारे में, अगर हम इसी सेगमेंट की जो इस मिड साइज एसयूवी वगैरह में देखें तो वैसे साइज वाइज तो थोड़ा सा कम हो जाता है, कम है लेंथ कम है, बट अगर इसके हम व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस ना और गाड़ियों के मुकाबले जो है ना काफी सही है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, रियर से पैसेंजर में जो बैठते हैं ना भाई, उनको काफी अच्छा लेग रूम वगैरह मिल जाता है, नी रूम वगैरह मिल जाता है, और हाइट तो भाई गाड़ी की सही है ही, ठीक है, तो देख लो काफी अच्छा, जो अभी जो अमृतांशु भाई की हाइट है पूरी 6 फीट है, मेरी भी 6 फीट है, और वही ड्राइव करे तो उन्होंने अपनी जो सीट है ना अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर रखी है, तो देखो यार अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो देख लो मतलब क्या ही बोलूँ, देखो इतना ज्यादा अभी भी देखो इतना गैप है, ठीक है, तो नी रूम काफी अच्छा है, लेग रूम आप देख लो, और रिक्लाइन वगैरह आप चेक कर सकते हो, रिक्लाइन और हेड रूम तो है ही सही, ठीक है, बट फिर भी अगर अमृतांशु भाई बात करें तो इसमें 4 सीटर ही कंसिडर कर सकते हैं ना, बिकॉज 5 लोग बैठने को तो एडजस्ट हो ही जाएंगे, और मिड साइज एसयूवी में 5 के लिए बनती ही नहीं है, आई थिंक सेल्टोस में थोड़ा सा एडजस्ट करके लोग बैठ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक क्रेटा या और भी जो इस सेगमेंट की हो गई गाड़ियां इसमें 5 बैठ भी सकते हैं। अच्छा एक चीज है कि थोड़ा सा ना इसमें जो हम्प है ना बीच का वो थोड़ा सा आपको ना उठा हुआ दिख सकता है, हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना बीच में बैठने प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज 4 लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा अमृतांशु भाई एक चीज पहले बताओ यार, ये हम बूट वगैरह की बात करते हैं तो बूट वगैरह का स्पेस तो यार काफी सही है, ठीक है, कभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते हो तो मतलब 4 लोगों का सामान भी तो इजीली आ जाता है, 3 लोगों का तो आराम से आ जाता है, एक लार्ज सूटकेस आ जाता है, एक मीडियम और एक स्मॉल, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बैग्स जो होते हैं एयरबैग्स वो भी इस पे एडजस्ट, डफल बैग वगैरह छोटे छोटे बैग वगैरह जो डालना चाहो, और अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 60-40 स्प्लिट है, पूरा सीट फोल्ड हो जाता है। अच्छा बूट स्पेस वगैरह तो काफी सही था। अच्छा एक चीज बताओ यार, इसके जो रूफ रेल्स हैं वो अपने फंक्शनिंग है, मैंने इसका था ना 50 kg तक है, और वेट जो है ना इसके ऊपर भी आप रख सकते हो, तो ऐसा अगर बूट अगर आप लोग 4 लोग जा रहे हो कुछ ज्यादा सामान है तो ऊपर भी कैरी कर सकते हैं, तो काफी, और वैसे जर्मन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, ठीक है, 5-स्टार रेटेड गाड़ी आ जाती है। अच्छा एक चीज और पूछूंगा, वैसे तो आप यूजली 2 लोग ड्राइव करते हो, आप और आपकी वाइफ ड्राइव करते हैं, मतलब जो भी चलाते हैं, कभी रियर सीट में जो पैसेंजर जो बैठते हैं आपकी फैमिली में कोई, तो उनको मतलब कंफर्ट वगैरह को लेकर क्या उन्होंने क्या फीडबैक दिया? यूजुअली अगर मेरा भाई कोई और ड्राइव कर रहा होता है तो मैं पीछे बैठना प्रेफर करता हूँ, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं आती है? कुछ नहीं, हाँ इसका एसी उतना पावरफुल नहीं है जितना पीछे, तो एसी के वेंट्स दे रखे हैं, वेंट्स है लेकिन, बट फिर भी जो दिल्ली एनसीआर का जो समर्स है उसमें अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो आपको टेम्परेचर मिनिमम फैन फुल स्पीड, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, यूजली जो गाड़ियों में आजकल एसी वगैरह काफी चिल्ड हो जाता है, छोटा कैबिन है, आई थिंक मारुति और मारुति और हुंडई का एसी, तो हुंडई का एसी बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट इसका एसी उतना इफेक्टिव नहीं है। इसमें जो पहले दूसरे लॉट में गाड़ी आई थी उसमें एसी में प्रॉब्लम था भी, इसमें भी इनफैक्ट था, कुछ इनके बेल्ट में इशू थे वो उन्होंने ठीक कर दिया था, बट फिर भी यह है कि इसका एसी उतना इफेक्टिव नहीं है,
पहले जो था अगर ट्रैफिक में स्ट्रक हो तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था इसी को, बट वो प्रॉब्लम इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अच्छा एक चीज बताना, थोड़ा आपने इशू वगैरह की बात की, तो यूजली मतलब अभी तक इस गाड़ी का जो फीडबैक देखे, मतलब जिन्होंने अभी ड्राइव नहीं की होगी, अब टेस्ट ड्राइव लेने को सोच रहे होंगे, तो उन्होंने अलग लोगों से सुनने में आता होगा कि यार इसका जो है कभी बंद होती है गाड़ी, इसमें इशू वगैरह आ रहे थे, वो उसके बारे में कुछ आप बताओ। ये आई थिंक ये जो है 2021 में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी अराउंड जुलाई या अगस्त, पहला लॉट अगस्त और सितंबर में इनके पेट्रोल जो फ्यूल पंप थे वो सिर्फ N95 फ्यूल एक्सेप्ट करता था। अच्छा, और उसके बाद से जो है जैसे ही उन्होंने वो 2 महीने वाली जो लॉट उनकी निकली थी उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, उसके बाद से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह नहीं थी, उसको चेंज कर दिया, कॉस्ट नहीं कंपनी के खुद के तरह। अच्छा, तो मतलब वो जो प्रॉब्लम है रेक्टिफाई किया कुछ लोगों का ना, बिकॉज मैं भी कुछ फीडबैक वगैरह देख रहा था इस गाड़ियों को, पहले भी सुन रहा था कि इसमें ना कुछ मतलब कि गाड़ी बीच में चलने में बंद हो जा रही थी, बंद हो जा रही थी। तो वो N95 का जो पेट्रोल है क्योंकि यार वही इस चीज के लिए कंपैटिबल था उस वक्त N95 पेट्रोल कंपैटिबल, अभी लेकिन वो चीज मतलब रेक्टिफाई कर दी, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा यहीं पे हम सर्विस वगैरह कॉस्ट वगैरह की बात करते हैं, तो क्या अभी तक 11,000 में एक सर्विस मैंने करवा ली है, एक साल या 15,000 पे इसकी सर्विस फ्री होगी वो, तो या फ्री नहीं थी, मैंने एक्चुअली मेंटेनेंस पैकेज जैसे हुंडई मारुति वगैरह में या आप दूसरी भी कंपनीज ले लीजिए टाटा महिंद्रा में, इसमें पहला सर्विसिंग या मेंटेनेंस चेकअप रूटीन चेकअप 1,000, 5,000, 10,000 पे होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्कॉडा फोक्सवैगन वगैरह ऐसा कुछ मतलब इनिशियल चेक्स वगैरह नहीं, कोई इनिशियल चेक्स नहीं, वंस यू हैव टेकन द कार फ्रॉम द शोरूम आपको सीधा 15,000 किलोमीटर के बाद जाना है, कोई चेकअप नहीं कुछ ये नहीं। बट मैं फिर भी क्योंकि जब इनका कंपनी का कुछ भी आता है आई थिंक कुछ भी अपग्रेड आता है तो वो कॉल करते हैं, जैसे एसी का मैंने बताया जब बंद हो रहा था कंप्रेसर इसका ऑटोमेटिकली भीड़ में बंद हो रहा था, उन्होंने कॉल किया सारे कस्टमर्स को और बुला के उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, और उसके लिए भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चार्जेस वगैरह नहीं है। और क्योंकि मैंने एक साल हो गया तो मैंने सर्विसिंग कराई और मैंने मेंटेनेंस पैकेज ले रखा था, वैसे यूजुअली फोक्सवैगन या स्कॉडा की गाड़ियों में पहला फर्स्ट सर्विसिंग बोल लो या सेकंड सर्विसिंग बोल लो अराउंड 10,000 to 12,000 का कॉस्टिंग सर्विस का बैठता है, तो मैंने 60,000 किलोमीटर तक मेंटेनेंस पैकेज ले रखा है 60,000 या 4 साल तक का। अच्छा, तो मेरे को कोई कॉस्टिंग तो अभी तो आपको कोई कॉस्ट नहीं, वैसे यूजुअली अगर हम बात करें ये एसी फिल्टर जो है वो अगर आपको चेंज करवाना है बट वो भी इसमें चेंज नहीं हुआ, वो बोले 30,000 पे हम लोग चेंज करते हैं। तो यूजुअली वैसे कॉस्ट क्या आती है यार, किसी ने मेंटेनेंस का पैकेज वगैरह नहीं लिया है, लिया तो 8,000 to 12,000 क्योंकि अब इसके मतलब ये जो इंजन है ये मेड इन इंडिया ही है एक्चुअली। ठीक है, और कुछ कुछ पार्ट्स इनको जो रिक्वायर्ड है वो भी इंडिया में बनने चालू हो गए हैं, पहले ये इम्पोर्ट करके मंगाते थे तो कॉस्टिंग ज्यादा आता था, अब अराउंड 8,000 to 12,000 में आपका सर्विस हो जाएगा। ऐसे यूजुअली दूसरी गाड़ियां जो है 10,000 पे होती है या 15,000 पे होती है, तो आप 1-2 हज़ार अगर एक्स्ट्रा भी दे रहे हो तो आई डोंट थिंक वो उतना ही हो जाता है, क्योंकि ऑल 10,000 में इसकी 15,000 में 15,000 जहाँ पे और गाड़ियों की 3 बार सर्विस होती है 30,000 में से दो ही बार ही होगी, तो उतना ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा अमृतांशु भाई एक चीज और कि अगर हम यहाँ पे बात करें ये 1 लीटर का आपका इंजन आ जाता है इसमें, ठीक है, तो यूजली होता है क्या 1 लीटर में 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो उसमें क्या होता है कि कैबिन नॉइज वगैरह होता है थोड़ा सा, तो इसमें कैसा है कुछ कैबिन नॉइज या फिर इंजन नॉइज? कैबिन नॉइज नहीं है, केबिन नॉइज नहीं है। आप चलो तो मैं बैठा करके इंजन स्टार्ट करके दिखा दूं। अच्छा एक बार स्टार्ट कर। ओके सो यार अभी देखो यार अभी ना हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए, तो अभी जो मैंने अमृतांशु से अभी क्वेश्चन पूछा था कि कैबिन नॉइज वगैरह को लेकर के, तो देखो यार अभी गाड़ी स्टार्ट है और बहुत ही माइल्ड सी जो नॉइज है, और आई थिंक वो जो अपना ब्लोअर की है, ठीक है, अगर हम इसको ही बंद कर दे तो ये देखो ये नॉर्मली जो है इतने मतलब की कैबिन नॉइज वगैरह, ये क्योंकि टर्बो है तो हल्का सा आपको हल्का सा तो रेव वगैरह की थोड़ा सा आवाज आएगी, नॉइज नहीं है। ठीक है ठीक है, और स्टेबिलिटी वगैरह तो आपने बता ही दिया। ठीक है, अच्छा मृतांश भाई एक चीज बताना है, अपना रियर लगाना जरा, रिवर्स कैमरा लगाना इसका, रिवर्स गियर डालते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह की बात करें या फिर फील गुड फैक्टर की बात करें वाइल्ड ड्राइविंग तो काफी अच्छा, ठीक है, कम्फर्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन गाड़ी में नेगेटिव भी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे सामने दिख रहा है कैमरे को लेके क्या बोलोगे यार, क्योंकि क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो चलो जो है इसमें साइड का भी नहीं दिख रहा है, तो इस वो कैसा है कुछ बोलोगे इसके बारे में बताओगे? हाँ, ये जो सेल्टोस और क्रेटा का क्वालिटी है कैमरा का इससे फार बेटर है, बट क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरे को उतना फीचर्स मतलब होता है ना जो सब्जेक्टिव चीजें होते हैं उससे मतलब नहीं था, मेरे को प्राइम फैक्टर था सेफ्टी ड्राइविंग डायनामिक्स, तो उस हिसाब से मैंने इसे इग्नोर कर दिया। बट हाँ ये क्लैरिटी ठीक ठाक है, उतनी बुरी नहीं है जितनी टाटा वाटा की गाड़ियों में आती है, क्योंकि मैंने हैरियर भी चलाई है उसकी भी उससे बेटर है,
हैरियर के टाटा के सारे नेक्सॉन का आई एम नॉट श्योर, वो आप कैमरा क्वालिटी अपना सुधार है बट उससे बेटर है तो टाटा में काफी मतलब इम्प्रूवमेंट डे बाई डे कर ही रहे हैं ठीक है। बट अच्छा है तो डे में तो चलो ऐसा दिख रहा, नाइट को कैसा है? नाइट विजन भी 19-20 है, 19-20 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है, 19-20 ओके। और ये अडैप्टिव गाइडलाइंस के साथ में है आई थिंक ना? नहीं ये अडैप्टिव गाइडलाइंस नॉर्मली है, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मली है, अडैप्टिव गाइडलाइंस नहीं है ठीक है। और इसका वो मूव होता है ना कैमरा ऐसे करने पे, वैसा नहीं नॉर्मली है इसमें अडैप्टिव गाइडलाइंस। अच्छा अडैप्टिव नहीं, वो होता तो ज्यादा थोड़ा सा होता तो वो एक मिसिंग है। फिर इतना टॉप के सेगमेंट में 17 लाख के गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हां टीपीएमएस होना चाहिए ना, होना चाहिए, ये भी नहीं है गाड़ी में, टीपीएमएस नहीं होना चाहिए। अच्छा म्यूजिक इसमें 6 स्पीकर मिल जाते हैं आपके ना, 6 स्पीकर, तो उसका आउटपुट कैसा है? ये आई थिंक अभी जो उसमें स्पीकर्स देता है बोस का स्पीकर्स दे रहा है, सेल्टोस और क्रेटा वगैरह में। अभी इसमें कौन से हैं मतलब कुछ? इसमें स्कोडा के खुद के स्पीकर्स हैं, स्कोडा के कुछ। तो आउटपुट कैसा है, ठीक ठाक ही अगर वैसे? ठीक है बढ़िया है, आप देखो। ओके तो भाई अमृतांशु ने अभी अपना मोबाइल कनेक्ट किया तो अभी ना इसको हम सुन लेते हैं। वैसे इसमें वायरलेस ही है ना, वायरलेस मिल जाता है इसमें, तो अभी ना इसका ना एक आउटपुट सुन लेते हैं ऑडियो का, मतलब जो भी स्पीकर्स वगैरह इसमें 6 स्पीकर मिल जाते हैं और अभी हमने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चला रहे हैं तो एक बार आउटपुट सुन लो ठीक है इसका। Okay. यार आउटपुट काफी अच्छा है, वैसे यूजली इतना तेज तो अमृतांशु भी नहीं सुनते होंगे ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, अगर जो कोई म्यूजिक क्या बोलते हैं एंथुसियास्ट है भाई, उसको तो अगर चेंज कराने तो चेंज करा लो ठीक है, बाकी अगर एक नॉर्मल सुनने वाला बंदा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, आउटपुट तो काफी सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है। और अनोइंग थोड़ा नॉइज वगैरह नहीं है, मतलब होता है ना बीट जो आती है थोड़ा सा अनोइंग हो या चुभ रही है, वो तब आएगी जब क्योंकि इसका प्लास्टिक का क्वालिटी 3-सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन तो है, आपको मतलब सुनाई नहीं देगा, बट जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे और इसका वूफर ऐसा है कि अगल बगल का ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है उस पर अगर कुछ सामान है तो वो कुछ एक नॉइज निकलना स्टार्ट हो जाएगा बगल से अगर जहाँ पे। अच्छा मतलब सामान रखा तो रैटलिंग नॉइज जो होता है, रैटलिंग नॉइज जो है स्टार्ट हो जाएगा हाई वूफर करने पे बगल में। अच्छा अच्छा वाइब्रेशन, बाकी अगर हम बात करें स्पेस वगैरह तो ठीक ही है, ज्यादा सब मतलब बोलूंगा उस हिसाब से तो कम है जिस हिसाब से अब दे रहे हैं, जिस हिसाब से इस रेंज की गाड़ियों में मिल रहा है, जैसे आप MG Aster ले लीजिए किसी में भी, उसमें जो फिनिशिंग है हाँ, बट ये है कि वैन वो मिल जाता है थोड़ा कूल्ड मिल जाता है ना, बाकी ये है कि ग्लव बॉक्स थोड़ा डिसेंट साइज है, नॉर्मली है, ज्यादा नहीं बोलूंगा कि अच्छा है बुरा है लेकिन ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से पैसा लिया है स्कोडा, और अगर आप कभी रैपिड आपने देखा होगा, इनफैक्ट पुराना रैपिड भी, उसका भी प्लास्टिक का क्वालिटी और ये सब जो है वो इससे ज्यादा प्रीमियम आपको दिखेगा। अच्छा और एक चीज बताना है, यहाँ पे इसका जो स्टीयरिंग है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही है क्या? दोनों ही है ठीक है। अच्छा अमृतांशु भाई आपने यहाँ 11,000 चला दिया ठीक है, वैसे तो आपने 10 साल वाला नॉर्म्स वाला देख करके पेट्रोल लिया है ठीक है, बट अगर आप इसको सेल करना चाहते हो थोड़ा सा, क्योंकि यूजली होता है बंदा 4-5 साल के बाद गाड़ी बदल देता है ठीक है, अपना पैसे वगैरह इकोनॉमिक कंडीशन देखने के बाद ठीक है, तो फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद, तो अगर आपको यहाँ पे अगर इसको अपग्रेड करना हो तो जर्मन में ही जाओगे या फिर कोई इंडियन ब्रांड या फिर मारुति वगैरह में चलेंगे? ऐसा कोई जर्मन ब्रांड का नहीं है मेरे को, जो उस टाइम मार्केट में अच्छा बेस्ट फीजिबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ माइलेज बिल्ड क्वालिटी ड्राइविंग डायनामिक्स तो उसमें अपग्रेड। हाँ मतलब जैसे अदर कंपनी अच्छा कर ही रही है ना ठीक है, टाटा महिंद्रा वगैरह, तो उसमें जाओगे ठीक है। अच्छा और एक चीज और, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जैसे हमने हाईवे वगैरह भी चलाया है, हेडलैम्प थ्रो इसमें प्रोजेक्टर मिल जाते हैं ठीक है, तो हेडलैम्प थ्रो वगैरह कैसा है गाड़ी? ठीक है नॉर्मल है, जस्ट लाइक सेल्टोस और क्रेटा, मतलब कुछ आपको चेंज करना मतलब स्टॉक वाले से भी आपका काम चल रहा है। आपने इसमें 16 लाख रुपए दिए है ठीक है, कि 16 लाख में आपको लगता है कुछ और भी चीजें और इम्प्रूव हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ अगर इंटीरियर की बात करें, प्रीमियमनेस की बात करें, एडिशनल फीचर्स की बात करें, कुछ भी? सबसे पहले तो वो कैमरा जैसा कि आपने बताया वो इसका 360 डिग्री दे सकते हैं, दूसरा पैरानोमिक सनरूफ अब इस रेंज में आ रहा है 16-17 लाख के रेंज में पैरानोमिक सनरूफ आ रहा है। वैसे सनरूफ मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है बट आज के टाइम में इंडियन मार्केट में सनरूफ इज वन ऑफ द फीचर्स व्हिच एवरीवन इज लुकिंग फॉर, अगर जो 17 लाख रुपए दे रहा है तो मेरे ख्याल से एक वो हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा स्क्रीन का साइज अगर थोड़ा सा और वाइड हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता, थोड़ा सा और प्रीमियम प्रीमियम लगने लगता। और इंटीरियर वगैरह में कुछ तो सब्जेक्टिव है, उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हाँ अगर इसमें एक ये डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों होना चाहिए, पीछे उन्होंने ड्रम दे रखा है वो हट जाना चाहिए, डिस्क देना चाहिए दोनों। इसके क्लच बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा है। अच्छा बहुत ज्यादा मतलब ये स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ही है या फिर स्टार्टिंग है? ये आपको लेग डे जिस दिन किसी का जिम जाते हैं तो आपको लेग करा देना, स्किप कर देना और इस पे आगे बैठ जाना, स्क्वाड है चला लेना, वो कर लेना आप तो लेग्स का हो जाएगा। बस यही 3-4 जो है मिसिंग है और प्लास्टिक का क्वालिटी जो है
थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए, मतलब हार्ड लगती है मेरे को प्लास्टिक, हार्ड है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि रैपिड से भी अगर आप कंपेयर करो ना, जो 2010 में स्कॉडा और फोक्सवैगन की पोलो हो गई, ये हो गई, उसमें भी क्वालिटी इससे बेटर उन्होंने रखी थी हार्ड प्लास्टिक की। अच्छा, तो स्कॉडा अपने से अगर कम्पीट कर रहा है तो उस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, अदरवाइज मार्केट से तो ठीक है। बट हाँ, आज के टाइम में क्रेटा लेदरेट फिनिशिंग वगैरह दे करके थोड़ा सा, अगर इस प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम फिनिश आ जाती है और कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे टीपीएमएस वगैरह मिल जाता तो गाड़ी काफी सही हो जाती है ना। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें वायरलेस चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग बट कुछ ही मतलब कि लिमिटेड फोन्स के लिए है, जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है उसी के लिए, हर किसी पे सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, तो यार ये हमारे छोटा सा मतलब कि ओनरशिप रिव्यू था हमने अपना इमृतांशु भाई के साथ में, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया। और अभी तक मेरे ख्याल से इमृतांशु भाई अपना खुश ही हो गाड़ी से, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना, गाड़ी वगैरह को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अमृतांशु भाई आप अपनी फैमिली में किसी को सजेस्ट करना चाहोगे गाड़ी? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, ठीक है, माइलेज वगैरह को देख करके, गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स तो सारी गाड़ी है, माइलेज वगैरह को देख करके डिपेंड्स। हाँ, माइलेज को देख करके मैं बोलूंगा कि अगर आपको जिस हाई राइडर है और कौन से ग्रैंड विटारा हो गए, वो उनका माइलेज काफी बेटर है, तो ये अपनी चॉइस है भाई। अगर आपको ड्राइविंग काफी अच्छी है, ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, अगर ड्राइविंग में चाहिए फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा जिसकी ड्राइविंग अगर मतलब हाईवे एक्सप्रेसवे पे ज्यादा है, वो 1.5 इसका आंख बंद करके ले ले। अच्छा, मतलब कि अगर आपको ड्राइविंग एंथुसियास्ट और ड्राइविंग अच्छी चाहिए तो आप इसमें गाड़ी में जा सकते हो, बाकी अगर माइलेज वगैरह चाहिए तो आप, और अगर आपको सारे फैंसी फीचर्स चाहिए तो आप क्रेटा सेल्टोस चले जाओ, आपको माइलेज और हाइब्रिड इंजन चाहिए तो आप विटारा चले। बाकी ये है कि यार गाड़ी काफी अच्छी है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये था हमारा छोटा सा ओनरशिप रिव्यू अमृतांशु के साथ में, जो कि इससे काफी खुश है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और आपके फ्रेंड को स्कॉडा में जाना चाहते हो, ठीक है, कोसैक वगैरह में, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो, तो आई होप उनको एक डिसीजन लेने में इजी हो कि एक लॉन्ग टर्म में गाड़ी किस तरह का परफॉर्म करती है, क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह आती है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यार फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स।